कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन मन के गंद्रू भाई बटले बहुत बहुत जोहार और झुमके बहन कर बहुत बहुत जोहार। हाल चाल कैसे है दीदी? सब बढ़िया है गंद्रू भाई, और अपने बताओ तो आज का है? अरे भाई देखो, आज हमारे मन भगवान भास्कर के संझियारी अर्घ दिली है नी। आज बड़ा पावन दिन है, और कल बिहाने मतलब जे भगवान का उगता हुआ सूरज है से कि हमारे मन अर्घ देवत, बड़ा पावन दिन है। तो आप आगे बढ़ा जाए, एकदम बढ़े के चाहिए भाई। और कार्यक्रम का और कोई चीज है, और हमारे मन और कर रहे थे कृषि समाचार से, चलो तो देखा हमारे मन कृषि समाचार। नमस्कार, छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि, आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 17 जिलों में बागवानी अवयवों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। झारखंड के 5 कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। अगाध करैला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का हरित। अब समाचार विस्तार से। झारखंड राज्य बागवानी की ओर से MIDH योजना के तहत राज्य में बागवान विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों में कई अवयवों की स्थापना की जानी है। यह 17 जिले हैं रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, लातेहार, सरायकेला, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं सिमडेगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए इन जिलों के किसान, उद्यमी सोसाइटी, सहकारी समिति और कृषक समिति स्टेट मिशन डायरेक्टर झारखंड राज्य बागवानी मिशन कृषि भवन परिसर कांके रोड रांची में अपना आवेदन पत्र 4 दिसंबर 2015 तक जमा कर सकते हैं। झारखंड के 5 कृषि विज्ञान केंद्रों को पौधा संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम नई दिल्ली के द्वारा स्थानीय फसल की किस्मों के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला और चतरा कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है। राज्य के इन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा करीब 500 फसल प्रभेदों के संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। इसमें किसान के फसल की किस्मों की जाँच की जाती है। किस्म लाभकारी पाए जाने पर उस किस्म को चयनित किसान या किसान समूह के नाम से पेटेंट कराया जाता है। लतेदार सब्जी फसलों में उड़ने वाले कीट लग जाएं तो वे पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए पौधों के थाला में दानेदार दवा कार्बोफ्यूरॉन डालें या मालाथियन दवा से बने घोल का छिड़काव करें या पत्तियों पर राख का बुरकाव करें। लत्तर वाली सब्जी फसलों में उड़ने वाले लाल कीट के रोकथाम के लिए 1 ग्राम दानेदार कार्बोफ्यूरॉन दवा प्रति थाला दें या 2 मिलीलीटर मालाथियन दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावे एक और घरेलू उपचार का व्यवहार अपना सकते हैं। उपचार आसान है, पत्तियों पर राख का बुरकाव करें। हाँ, जब किसान भाई हमारे खास करके लत्तेदार सब्जियां लगाते हैं तो शुरू के समय जब पौधे में 2-3 पत्तियां की अवस्था होती है तो उस समय एक रेड पंपकिन बीटल लाल रंग का कीड़ा आता है जो उड़ते उड़ते दिखते रहता है किसान भाइयों को, वो आकर के पत्तियों को खा जाता है। तो शुरू की अवस्था में कभी कभी इसका प्रकोप इतना होता है कि सारे पत्तियों को खा जाता है और पौधे पूरे मर जाते हैं। तो इस कीड़े के निदान के लिए सबसे ज़रूरी उपाय ये है कि किसान भाई जहाँ भी लगाए हैं लत्तेदार सब्जियाँ वहाँ थल्लों को साफ कर दें, और साफ करने के बाद उसमें एक दवा आती है दानेदार कार्बोफ्यूरॉन, उसको करीब 1 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से उसको डाल दें तो उससे उसका प्रकोप से बचा जा सकता है। या फिर मैलाथियन नाम की एक दवा आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उस पर छिड़काव कर दें। या किसान भाई जो इन सब नहीं कर पा रहे हैं, जैसे तकनीकी उनके पास है, तो राख का छिड़काव उसके ऊपर कर दें, उससे भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसल करैला की अगाध खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। अगाध करैला से अधिकाधिक उपज हासिल करने के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, अर्का हरित या स्थानीय किस्मों का चयन कर सकते हैं। राज्य के किसान अगाध करैला के बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। बुआई में पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें।
किसान भाई अगात करेला से अधिकाधिक उपज लेने के लिए पूसा दो मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, अर्का हरित या स्थानीय किस्मों का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, बाली से धान के दानों को अलग करने के लिए पैर चालित धान थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चालक हाथ में पौधों को लेकर पैरों द्वारा थ्रेशर को चलाता है। ड्रम के घूमने से दाने अलग होकर बाहर गिरने लगते हैं। इसकी कार्य क्षमता 44 ग्राम प्रति घंटा है। आइए आज जानते हैं बिना रासायनिक दवाइयों के टमाटर फसल में विल्ट कीट को कैसे रोकें। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीटों या रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियां विल्ट से ग्रसित हों तो विल्ट ग्रस्त सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो भाई, एखन हमरे मन देखत रही कृषि समाचार, और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन तमाम तरह कर जानकारी के लिए ली, खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह कर जानकारी, नवा नवा तकनीक के जान ली, मौसम के हाल समाचार के देख ली, और बाजार कर भाव के भी जान ली एकदम। और कार्यक्रम में देखो किसान मन वास्ते बढ़िया बढ़िया जानकारी है दीदी, लेकिन छोटा सा हमरे मन विराम ले। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलो तब विराम कर बात, सब किसान भाई बहन कर फिर से स्वागत कर रहे थे, और आप जानकारी कर बेरा हो जाते तो और मन में बहुत बढ़िया जानकारी लाइन ही भाई। बा, बा। तो गहूम फसल जे हमरे मन कर रहे थे, किसान भाई मन कर रहे ना, तो उकर वैज्ञानिक खेती कैसन करल जाए, इकर बारे में हमरे से वैज्ञानिक जुड़ जाए हैं, और वैज्ञानिक है डॉक्टर परवेज आलम जे हमरे मन के जानकारी देवे। चलो तब मिलजुल के हमरे मन जानकारी देखा थे। जी हाँ, तो रबी की जो मौसम है वो शुरुआत हो चुकी है, और आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। और आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की वैज्ञानिक खेती के ऊपर। इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परवेज आलम। अगर बीज स्वस्थ हो हमारा तो कीड़े का भी प्रकोप कम होगा और बीमारियां भी उसमें कम आएंगी। तो बीज स्वस्थ कहाँ से लाएं? तो बीज स्वस्थ के लिए तो यह है कि आप किसी सर्टिफाइड एजेंसी से ही बीज लीजिए, और अगर उस पर भी आपको शंका लग रही है तो हम बीज ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार ये अवश्य करना चाहिए गेहूँ में खेत में जाने से पहले। बीज उपचार कैसे करेंगे? वीटावैक्स नाम की एक दवा आती है जिसको 2 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से हम लोग गेहूँ के बीज में उस दवा को मिलाते हैं, है ना? कैसे मिलाते हैं? 1 किलो सीड के लिए 2 ग्राम वीटावैक्स दवा, यानी जितना भी सीड है, अगर मान लीजिए आपके पास 20 केजी सीड है गेहूँ का, तो कितनी दवा हो गई? 40 ग्राम दवा हो गई। इस 40 ग्राम दवा को गेहूँ के बीज में आप इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, और मिलाने के लिए गुड़ जो होता है हमारा, है ना, गुड़, तो ये गुड़ को क्या करेंगे, गुड़ को ठंडा कर पका लेंगे। पकाने के बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसको गेहूं के दानों में मिला देंगे, और मिलाने के बाद तब इसमें हम वीटावैक्स दवा डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि गेहूं के जो दाने के जो सतह हैं उस पर ये दवा अच्छी तरह से चिपक जाए।
और ये प्रक्रिया कब करेंगे? ये प्रक्रिया जिस दिन आपको खेत में लगाना है उसके एक दिन पहले करेंगे। इस प्रक्रिया में एक सावधानी जरूर रखना चाहिए कि जब बीज को आप उपचारित कर लेंगे तब उपचार करने के बाद इसको ज़मीन पर अच्छी तरह से बिछा देंगे सूखने के लिए, लेकिन सूखने के लिए कहाँ पर बिछाएंगे? जहाँ पर छाया हो, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इसको नहीं सुखाएंगे। अगर डायरेक्ट धूप के अंदर सुखाएंगे तो जो भी आपने विटावैक्स दवा डाला है वो धूप के प्रभाव में आकर ये वहाँ से उड़ जाएगा और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप बीज उपचार करके जब खेत में बीजों को लगाएंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि 60-70% जो बीमारियाँ जो होती हैं बीज जनित बीमारियाँ वो करीब करीब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और 60-70% इसमें कीट जो बाहरी आक्रमण करते हैं वो भी उनका कमी हो जाता है। तो आप बीज को स्वस्थ बनाइए, जब स्वस्थ बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको कीड़े मकोड़े बीमारियों से किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। जो ये शुरुआती में जो खरपतवार होते हैं मिट्टी में, मतलब उसके समाधान के लिए कुछ ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसान भाई करें तो फायदा हो? देखिए, गेहूं चूँकि इसमें लगाते हैं, क्या बोलते हैं, रबी सीजन में लगाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो आते हैं। इसकी नियंत्रण के लिए 2,4-D और आइसोप्रोटीरोन नाम की दवा जो लगाने के 2 से 3 दिन के बाद हम लोग स्प्रे करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि किसान भाई दवा का कम से कम प्रयोग करें। अब है कि दवा का कम से कम प्रयोग करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है वहीं पर आप दवा डालें। क्या करना चाहिए कि जब खेत को आप तैयार कर रहे हैं उसी समय खेत में आप जितने भी तरह के ये हैं क्या खरपतवार के आपको जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, उसको आप निकाल के वहाँ से फेंक दीजिए। समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहिए, यानी जब लगाएं तो 20 दिन के बाद पहली आप निकाई गुड़ाई करेंगे, उसके फिर 20 दिन के बाद करेंगे। तो मैकेनिकल वीडिंग जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, न सिर्फ वीट के पौधों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि किसान के स्वास्थ्य के लिए भी, है ना। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा हो जाए, एपिडेमिक टाइप का हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वीड आ गया है, तो उस हालत में फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2,4-D और आइसोप्रोटीरोन, ये दो खरपतवार नाशी हैं जिनका इस्तेमाल आप लगाने के 3 से 4 दिन के अंदर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब अंत में हम एक चाहेंगे क्वेश्चन का जवाब कि जो ये गेहूं की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन होता है, इसके ऊपर संक्षेप में आप कुछ हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, उर्वरक के लिए आप इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उचित मात्रा पड़नी चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फेट तो डालते हैं, जो पोटाश हमारा लाल जो खाद होता है उसको नहीं डालते हैं। तो क्या करना है कि जितने भी पोटाश और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो होता है जिसमें फास्फोरस और पोटाश डालते हैं, उसकी पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डाल दें, और नेत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय खेत में डालेंगे। ठीक है, नेत्रजन की आधी मात्रा, पी और के की पूरी मात्रा बुआई के समय डालेंगे, और नेत्रजन की जो आधी मात्रा बच गई है उसको 20 दिन के बाद और दूसरा 40 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग करेंगे खेत में, तो काफ़ी अच्छा पैदावार होगा। किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब की जानकारी आपको बहुत फायदे पहुंचाएगी और आप आराम से जो है रबी के मौसम में गेहूं का फसल आप उगा सकते हैं, अच्छे पैदावार आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो भाई, बड़ा बढ़िया जानकारी के दे रहे हैं डॉक्टर परवेज आलम कि हमारे मन गेहूं कर खेती कैसे वैज्ञानिक तरीके से कर सकेला, इकर कृषि कार्य हमारे मन कैसे कर सकेला। लेकिन दीदी, हमारे बटे दोसर जानकारी है, लेकिन किसान मन के कहब कि भाई ये छोटा सा संदेश भी देखना हमारे मन के बहुत जरूरी है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई,
फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब? मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। संदेश तो बहुत बढ़िया रहा गंदरू भाई, और बहुत मुद्द संदेश रहे, एकर में बहुत जानकारी छुपल रहे, जय किसान भाई बहन मन के मिलल। तो और आगे जानकारी देखे, चलो तब बताओ अब का जानकारी लाइन ही रहे देखो भाई? हमरे मन गोहम खेती कर बारे में जानकारी कर ली, लेकिन अब हमरे मन सेम्बी फसल कर खेती कर बारे में जानकारी करो। अच्छा, है नी? तो उकर हमरे मन कैसे उन्नतशील तरीके से खेती करब और इकर प्रभेद कौन कौन हो सकेला से कर बारे में आज हमरे मन के जानकारी देवे डॉक्टर आर एस पान। तो दीदी आओ चलो इनका से भेंट कर ले। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं, नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा विषय है सेम की उन्नत खेती व प्रभेद का चुनाव। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस बंसल। सर, जैसा कि आज हम अपने किसान भाइयों से बात कर रहे हैं कि सेम की उन्नत खेती और प्रभेद का चुनाव के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो अपने सेम की खेती करने के लिए उचित खेत का चुनाव किस तरह से करें। जी हाँ, किसान भाई सब जानते हैं हमारा इस झारखंड का क्षेत्र में सेम की खेती बहुत सफलतापूर्वक होती है। यहाँ की जो मिट्टी है, हल्की जो बाली दुमट मिट्टी है, यहाँ के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ कोई भी खेत में, विशेष करके जो हमारा टाँड जमीन है और इसमें हम खेती कर सकते हैं। यहाँ का मिट्टी, जलवायु खेती के लिए बहुत ही, सेम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो जैसे हम सेम की जो खेती के लिए जो ज़मीन का हम तैयारी करते हैं, 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके फिर उसमें हम खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम खाद प्रयोग करते हैं, जैसे सड़ी गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से अंतिम जुताई के समय प्रयोग कर देते हैं। और नहीं तो जैसे केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक खाद है, जैसे 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टर के दर से हम बुआई से पहले प्रयोग करते हैं। और जैसे विशेष रूप से इस क्षेत्र में जो सेम की लतरदार किस्म की खेती ज़्यादा पैमाने पर होते हैं, तो उसके लिए हम जो बुआई करते हैं, तो बुआई के लिए हम थोड़ा हल्का ऊंचाई वाली मेड़ बना के उसी के ऊपर या साइड में हम बीज को बुआई करते हैं। तो बीज मतलब जो हम लाइन से लाइन की दूरी, जो कि लत्तीदार किस्म के लिए हम रखते हैं, मतलब 1 मीटर, जो कि इसमें सहारा देना है, इसलिए हम लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखते हैं। और जो बीज हम बुआई करते हैं मेड़ पर, तो बीज से बीज की दूरी हम 75 सेंटीमीटर रखते हैं। और जैसे झाड़ीदार किस्म भी है इसमें, तो झाड़ीदार किस्म के लिए हम पौधा से पौधा 1 फीट और लाइन से लाइन 2 फीट दूरी रखते हैं। तो इसके बाद जैसे 1 हेक्टर खेती के लिए जैसे झाड़ीदार किस्म है, उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और जो लतरदार किस्म के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होती है। बीज की जो बुआई हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं, और बुआई से करीब करीब 1 महीना बाद हम निकाई गुड़ाई करके फिर और 22 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं पौधे के जड़ों के पास, प्रयोग करके फिर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो इस हिसाब से उन्नत तरीक़ा से खेती करने से किसान भाइयों का लाभ ज़्यादा मिलता है, पैदावार अच्छा मिलता है। और जो कि ये लतरदार जो किस्म है उसको सहारा देना भी अति आवश्यक है, जिससे उनका वृद्धि विकास अच्छा से हो। और झाड़ीदार किस्म के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से खेती करने से किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। आप अगर आप सेम की खेती करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी आपके लिए महत्वपूर्ण बात रखती है।
और साथ ही साथ हम बात करें, सर ने बताया आपको बुआई के बारे में, दूरी के बारे में और दर के बारे में। सर तो बुआई से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित प्रभेद, जो उचित प्रभेद या उन्नत प्रभेद हम कह सकते हैं किसान भाइयों के लिए, तो उन्नत प्रभेद किस तरह से हमारे किसान भाई चुनाव करें? अच्छी खेती के लिए अच्छा उन्नत किस्म का प्रयोग अति आवश्यक है, जिससे हमारा पैदावार अच्छा हो, गुणवत्ता अच्छा हो। और उसके लिए हमारे इस केंद्र से एक जो लतरदार किस्म में एक उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसका नाम है सरना उत्कृष्ट, जिसका खेती किसान भाई शीतकाल का फसल के लिए कर सकते हैं। तो इस सब का जो शीतकालीन फसल का जो बुआई हो, करीब जुलाई के अंतिम हफ्ता या अगस्त का पहला हफ्ता में हम लोग करते हैं। तो इसके लिए जो सरन उत्कृष्ट जो किस्म, जिसका फलिया हरे रंग के होते, चौड़े होते हैं, गुच्छा में फलता है। इसके अलावा जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से भी विकसित हुए दो उन्नत किस्म, जैसे पूसा सेम दो, पूसा सेम तीन, ये भी लतरदार किस्म है, इसका भी खेती कर सकते हैं। ये दोनों का भी फलिया चौड़े हरे रंग के होते हैं। और एक ZDL 45 जो जबलपुर से विकसित हुई है, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसका हरे सफ़ेद रंग के फली होते हैं चौड़े, और वो भी एक उन्नत किस्म है। इसके अलावा जैसे जो लोग बेमौसमी खेती करना चाहते हैं, जो हम इसके अलावा जैसे झाड़ीदार किस्म भी है, जैसे आरका विजय है, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से विकसित हुआ है, वो भी 120-150 क्विंटल जिसका उपज क्षमता है। इसके अलावा और एक झाड़ीदार किस्म है कोंकण भूषण, जो महाराष्ट्र से विकसित हुई है, जिसका वो झाड़ीदार किस्म है, उसका उपज क्षमता वो और जल्दी तैयार हो जाता है, 50-60 दिन में पहला तुड़ाई शुरू हो जाती है, तो उसका उपज क्षमता 80-110 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से है। तो ये सब जो उन्नत प्रभेद हमने बताया, इसका खेती करके बेमौसमी खेती, साथ ही साथ जो अभी जो शीतकालीन जो फसल है उसके लिए ये खेती करके उन्नत प्रभेद का बीज संग्रह करके उसको उन्नत खेती में लगा के प्रयोग करके खेती करने से उपज अच्छा होता है और उसमें लाभ भी ज़्यादा मिलता है। और ही साथ ही साथ मौसमी के समय भी आप कौन कौन से उन्नत प्रभेद का चुनाव करें उसके बारे में बताएं, ताकि आपका अच्छा मुनाफा हो। और साथ ही साथ सर हमारे किसान भाई को ये बताइए कि वो जब बुआई करें तो बीज दर और दूरी के बारे में तो आपने बताया ही, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में हमारे किसान भाई को बताएं। जी हाँ, जैसे कोई भी बीज बुआई करने से पहले उसको उपचार कर लेना चाहिए, जैसे बेबिस्टिन दवा से 2-2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके तब बुआई करो। उससे जो मिट्टी से जो बीमारी फैलता है और उससे पौधा को सुरक्षा मिलता है, तो हमारा उन्नत खेती के लिए बीज उपचार करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने सेम की उन्नत खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ आपको बोलूँगा कि अगर आप इन उपायों को अगर पालन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा। और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में आए हुए हमारे विशेषज्ञ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। चलो तो जानकारी तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं वैज्ञानिक हमारे मन के, कि कैसे खेती करल जाए, कैसे लाभ कमाल जाए उकर से। तो गंद्रू भाई सब जानकारी तो होलक की कोनो जानकारी माचल है बाचल है कि हमरे के IMD पुणे जाए के भाई। चलो भाई झट के चलो। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई, दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। राज्य के किसान निचली जमीन में लगे रोपा धान वाले फसलों में जल जमाव बनाए रखें, क्योंकि इस समय फसल दाने भरने की अवस्था में है और इस समय पानी की कमी होने से दाने पुष्ट नहीं होंगे। हाँ तो भाई देखो, हमरे मन IMD पुणे से घूरा ली और तमाम तरह से हमरे मन खेती बाड़ी से जुड़ल नवा नवा तकनीक और भी बहुत सारा जानकारी के है नी। तो आपका समय होते भाई जैक बेरा एकदम 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 तो जैक बेरा तो होते, लेकिन उकर से पहले हमरे मन पता लिखवा लेते ताकि
किसान भाई मन अपन जानकारी अपन समस्या लिख भेज तो चलो झट झट अपने मन लिख ले पता के कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची तीन संख्या 834001। तो किसान भाई रोरे मन पता के नोट कर लिए लेकिन अपन सुझाव हमरे मन के जरूर से जरूर लिख भेजब। लेकिन अब हमरे मन रोरे मन से विदा ले यह बात कर संगे अब अपन गंदरू भाई और झुमकी बहन के विदा देव लगे तब जोहार।